नमस्कार, आज है 29 सितंबर 2020। जानेंगे हिमाचल की आज की सभी बड़ी खबरें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही हिमाचल की हर अपडेट्स और न्यूज़ रोज़ाना देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएम मोदी 3 अक्टूबर को करेंगे अटल टनल का लोकार्पण, केलांग में रुकने का कार्यक्रम रद्द। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण करने के लिए 3 अक्टूबर को आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सुरक्षा कारणों से केलांग में रात को नहीं रुकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा पर बने हालात के अलावा रात में किसी आपात स्थिति में बचाव कार्य में मुश्किल आने की आशंका को देखते हुए पीएमओ ने रात में रुकने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। अब कार्यक्रम सुबह 9 से दोपहर 2 बजे के बीच पूरा किया जाएगा। हिमाचल में 3 और टनल बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि रोहतांग के बाद अब 3 और टनल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत 16,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले बारालाचा दर्रा पर 13.2 किलोमीटर लंबी टनल बनाने पर विचार किया जा रहा है, जबकि लाचुंग पास पर 14.78 किलोमीटर और 17,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई वाले तंगलांगला दर्रा पर 14.78 किलोमीटर लंबी टनल बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के बनने से एक ओर जहाँ प्रदेश के लाहौल, पांगी व भरमौर जैसे क्षेत्रों के लिए पर्यटन, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। नॉर्थ पोर्टल से सिसु तक ओपन जिप्सी में जाएंगे पीएम मोदी, परोसे जाएंगे स्थानीय व्यंजन। बहुप्रतीक्षित अटल टनल रोहतांग का 3 अक्टूबर को उद्घाटन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ पोर्टल से सिसु तक 5 किलोमीटर सफर ओपन जिप्सी में करेंगे। सड़क के दोनों ओर हजारों लोग पारंपरिक वस्त्रों में वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत करेंगे। लाहौल दौरे के दौरान पीएम को लाल आलू की सब्जी सहित कई स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे। सिसु में जनसभा से पहले पीएम मोदी निर्माणाधीन अंडरग्राउंड टनल का भी निरीक्षण करेंगे। 3 दिन में हिमाचल से विदा होगा मॉनसून, सुबह शाम बड़ी ठंड। हिमाचल से आगामी 2 से 3 दिन के भीतर मॉनसून विदा होगा। पश्चिमी राजस्थान और पंजाब से सोमवार को मॉनसून की रवानगी हो गई है। प्रदेश से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर तक मॉनसून के विदा होने की संभावना बन गई है। बारिश का दौर थमते ही प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कमी आना शुरू हो गई है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। मॉनसून सीजन में इस साल प्रदेश में सामान्य से 26% कम बादल बरसे हैं। कुल्लू और बिलासपुर जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। माँ ने बाइक चलाने से रोका तो युवक ने पेट्रोल छिड़क लगा ली आग। हिमाचल के सिरमौर जिले के पांवटा के अजीवाला में मामूली सी बात पर एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। युवक की माँ ने उसे बाइक चलाने को नहीं दी। इससे नाराज राजबन निवासी 19 वर्षीय युवक ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। घायल युवक को पांवटा अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर परिजन उसे नाहन के निजी अस्पताल लेकर चले गए। आग से युवक 30 से 40% तक झुलस चुका है। माजरा पुलिस ने मामला संज्ञान में आने पर जाँच शुरू कर दी है। पीएम जनधन योजना के 1 लाख खाते 0 बैलेंस, नहीं मिला 2 लाख का बीमा कवर। हिमाचल में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 1,08,000 बैंक खाते 0 बैलेंस ही हैं। 1 साल में 0 बैलेंस खातों की संख्या 20,000 बढ़ गई है। वित्त विभाग ने बैंकों को फटकार लगाते हुए सभी खातों को क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं। बैंक खाते 0 बैलेंस होने के चलते 2 लाख के बीमा कवर से ये खाता धारक वंचित हो गए हैं। बैंकों ने लक्ष्य पूरे करने को खाते तो खोले पर सक्रिय रखने में कामयाब नहीं हो सके। 8 बार नेशनल खेलने वाले NIS पटियाला के कोच के हाथों में बेलचा। हिमाचल के लिए 200 मीटर में सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी बेलचा चलाने को मजबूर है। 8 बार नेशनल खेल चुके एथलीट और NIS पटियाला कोच अनूप सिंह राणा कोरोना काल में दिहाड़ी लगा रहे हैं। जिस कॉलेज से अनूप ने BA की, उसी कॉलेज के बाहर वह दिहाड़ी लगा रहे हैं। सरकार उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दे पाई है। अनूप ने वर्ष 1999-2000 में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 2 बार प्रदेश विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व किया है। दुकानदार और सफाई कर्मियों में जमकर मारपीट, आधा दर्जन घायल। हिमाचल के सोलन जिले के नालागढ़ बाजार में एक दुकानदार और सफाई कर्मी के बीच कहासुनी खूनी झड़प में बदल गई। देखते ही देखते दोनों ओर से काफी लोग एकत्रित हो गए और जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से पत्थर और डंडे चले। इस मारपीट में एक महिला समेत आधा दर्जन सफाई कर्मी घायल हो गए। उन्हें नालागढ़ अस्पताल में उपचाराधीन कराया गया। झगड़े के बाद सफाई कर्मियों ने नालागढ़ बर्फानी चौक पर कूड़े के 2 वाहन गिराकर जमकर हंगामा किया। पुलिस प्रशासन और नालागढ़ के तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने मामले को शांत कर मौके से गंदगी हटवाई। रोहतांग में सेना के जवानों से रूबरू होंगे पीएम मोदी, बढ़ाएंगे मनोबल। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे
पीएम मोदी के दौरे पर चीन और पाकिस्तान की भी नजर रहेगी। टनल के साउथ पोर्टल में मोदी सेना के जवानों से रूबरू होंगे। सीमा सड़क संगठन इसके लिए तैयारियां कर रहा है। मोदी यहां सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे और चीन पाकिस्तान की सीमा को जोड़ने वाले मनाली लेह मार्ग स्थित अटल टनल से दोनों देशों को कड़ा संदेश भी देंगे। साउथ पोर्टल में नेताओं, अधिकारियों समेत सेना के 100 से भी कम लोग शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ही बनाएगा शिमला मटोर फोरलेन। 10,000 करोड़ का बजट। शिमला मटोर फोरलेन अभी रद्द नहीं हुआ है और न ही इस फोरलेन को लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। पिछले दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखकर इस फोरलेन को लोक निर्माण विभाग को सौंपने की मांग की थी। दलील दी गई थी कि इस सड़क मार्ग पर इतना यातायात नहीं है कि इससे खर्च की भरपाई हो सके। मंत्रालय ने NHAI की इस दलील को खारिज कर दिया है। अब जल्द ही इस फोरलेन को बनाने के लिए आधिकारिक आदेश जारी किए जाएंगे। टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करवाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी करवाएगा। इसके अलावा पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के इच्छुक भी प्रदेश में ही इसकी पढ़ाई कर डिप्लोमा हासिल कर सकेंगे। विश्वविद्यालय 2 नए डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगा। इसके अलावा छात्रों को मास कम्युनिकेशन एवं डिजिटल जर्नलिज्म और बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल एवं मार्केटिंग सर्विसेज में डिग्री करने का भी मौका मिलेगा।